वेलकम है आप सभी का इस प्यारी सी रीडिंग में। आज आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखते हैं, आपके रिश्ते की करंट एनर्जी को मैं देखूंगी, रीड करके आपको बताने की कोशिश करूंगी कि आखिरकार व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या चल रहा है इस कनेक्शन की एनर्जी में। एनर्जीज आपकी फोकस चाहिए मुझे, ठीक है। आप लोग अपनी एनर्जीज को क्लियर रखिए, ठीक है। सोचिए इस समय आपके मन में जो भी है उसको साफ कर दीजिए, बिल्कुल गाइडेंस पर डिपेंड हो जाइए। मैं आपको बताती हूँ आखिरकार इस सिचुएशन में करंटली चल क्या रहा है, क्या चल रहा है इस सिचुएशन में करंटली। कुछ कार्ड्स बहुत तेज़ी से गिरे हैं, देखते हैं क्या है कार्ड्स की गाइडेंस। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, द जजमेंट की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओ माय गॉड, यहाँ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है, आपके साथ फरेब हुआ है। लिटरली मुझे समझ आ रहा है कि आप पर क्या बीत रही होगी। लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ इस रिश्ते में टॉलरेट किया है, आपने बहुत कुछ सहा है। आपके पर्सन की बेवफाई मैं देख सकती हूँ, ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप इतने इतने ज़्यादा महान निकले हो, आपने कितना कुछ सहा है, फिर भी आपने, जिसे कहते नहीं हैं क्या बोलूँ, बहुत धैर्य रखा है इस रिश्ते में। साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। ओवरकमिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड, इस सिचुएशन में ना देर इज़ सम काइंड ऑफ डिसीट, ठीक है। धोखा हुआ है, फरेब हुआ है आपके साथ। पता चल रहा है यहाँ पे साफ कि आपको इस पर्सन से बहुत ज़्यादा लगाव इसलिए भी है क्योंकि जब आपकी लाइफ में बहुत कुछ और भी इम्पॉर्टेंट था, आपका हेल्थ हो सकता है, आपका करियर है, आपकी फैमिली है, जो पीरियड, जो फेज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल था, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते नहीं हैं, एक बार हाथ से गया तो दोबारा ना आने वाला टाइम रहा है। पर इस समय आपने खुद पर ध्यान ना दिया कि इस पर्सन को अपनी लाइफ की प्रायोरिटी बना रखा था। आपने हमेशा इनको नंबर वन प्रेफरेंस दिया। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, अगर इनकी तरफ से कोई पैगाम आता है, इनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आता है, आपका पूरा का पूरा ध्यान उस पर चला जाता है। आपने हमेशा से इनको सपोर्ट किया है, आपने हमेशा से इनको एक तरीके से अपनी लाइफ में सबसे ऊपर का दर्जा दिया है, अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आपने इनको प्यार किया है। आपको इस इंसान के आने से पहले प्यार का मतलब नहीं पता था, बट अगर आपको मतलब नहीं पता था, आपने कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें, कितने बड़े बड़े मौके अपनी लाइफ से यूँ जाने दिए क्योंकि आपको ऐसा लगा कि इस पर्सन के साथ आप ग्रो करना चाहते हो, टुगेदर, यूनाइटेड, हाथों में हाथ डाले। पर आपके साथ क्या हुआ, साफ पता चल रहा है। जब इस पर्सन का टाइम आया, इन्होंने पीठ दिखा दी। आपकी बिल्कुल शिकायत ठीक है, दिखाई दे रहा है मुझे कि इस पर्सन ने ना अपने तक आने के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। मुझे साफ पता चल रहा है कि आप पर क्या बीत रही होगी। इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, अपने तक आने से जितने भी रास्ते हो सकते हैं वो सारे बंद कर रखे हैं। जब टाइम आया साथ निभाने का, जब आपके पास सब कुछ था, आपने सब कुछ इन पर लुटाया, लेकिन जब टाइम आया उसको वापस करने का, जब टाइम आया सूद समय वापस करने का और साथ निभाने का, आपके लिए स्टैंड लेने का, तो मुझे लगता है कि इस पर्सन ने ना अपनी डर के वजह से पीछा छुड़ाने के लिए ना अपना पल्ला झाड़ लिया, ठीक है। इन्होंने बिल्कुल भी आपके बारे में नहीं सोचा, इनको तो सिर्फ अपनी ही पड़ी थी, इन्होंने अपने लिए ही जो किया वो किया। बहुत ही सेल्फिश नेचर लग रहा है इस पर्सन का। इनको आपको कन्फ्रंट नहीं करना था, हिम्मत नहीं थी आपके पर्सन में कि आपको सच बता सके कि इनके अंदर नहीं है हिम्मत इस रिश्ते के लिए। ये नहीं खड़े हो पा रहे अपनों के सामने, ये लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा इस रिलेशनशिप से थोड़ा सा अभी ब्रेक लेना चाहते हैं, ये वो बोल नहीं पाए। लेकिन इस समय आपके पर्सन
ऐसा बिहेव कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे ये आपको जानते तक ना हो। एक मतलब आपको देखकर भी ये पर्सन अनदेखा कर रहे हैं, जैसे कि एक अनजान वाली एनर्जी होती है, जहाँ इस पर्सन को फ़र्क पड़ना बंद हो गया है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो स्वाभाविक है कि आप इनको बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हो, ना चाहते हुए भी। मतलब जैसे कहते नहीं हैं, इन्होंने जो आपसे दगाबाजी की है और आपके पीठ पे नहीं, आपके सीने पे खंजर घोपा है इन्होंने। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एस्टैब्लिश्ड एंड रिलायबल लव। देखो, जिस समय जो इनकी लाइफ में जो टाइम आप डिज़र्व कर रहे थे, इस समय इनको ऐसा लगता है कि वो जो चीज़ है ना, वो चली गई। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा टेम्प्ररी लोगों के साथ है और ये बहुत ज़्यादा दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं इस समय। आप ये मत समझो कि इनकी लाइफ में कोई मीनिंग है या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी है, नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे ऑपोजिट हुआ है। जब भी आप अपने पास्ट को देखते हो ना, आप एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो कि इन सब चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी लौट आई है। इन सब चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो गई है। इन सब चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ में बहुत कुछ नया आ गया है। आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप खुद से जुड़े हुए हो, आपने खुद को जाना है। ठीक है, इस समय ये पर्सन एस्टैब्लिश्ड है, इनके पास पैसों की कमी नहीं है, ये अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं। जिस समय इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, ये पर्सन अभी ना बहुत ही टेम्प्ररी पर्सन्स में हैं। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा समझ रहे हैं आपसे। ठीक है, इनको ऐसा लगता है, देखो मैं करंट एनर्जी बताऊँ, इस पर्सन के पांव ज़मीन पे नहीं है बिल्कुल भी। ये आपको कमिटमेंट तो दूर की बात है, ये अपनी गलती को मानने के लिए भी, मानने की भी स्थिति में नहीं है। बस ये लाइफ में ना बहुत जल्दी जल्दी आगे जाना चाहते हैं। ऐसे में क्या होता है ना, जब आपको कभी ना कभी आपको जब सक्सेस मिल जाती है, सक्सेस का मतलब तो बहुत डिफरेंट होता है बहुत लोगों के लिए। मेरे कहने का मतलब है, हर एक इंसान के लिए ना सक्सेस का मतलब अलग अलग होता है। तो जब इनको सक्सेस मिल गई है ना, आपके पर्सन को ये लग रहा है कि ये सबसे ऊपर हो गए हैं, रिश्तों की कदर नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, जब भी अगर ये किसी पास्ट पर्सन की लाइफ में वापस जाते हैं, इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, सिर्फ एक ही इंटेंशन होता है, अगर देखा जाए तो, किसी को नीचा दिखाना। यहाँ पे तो जजमेंट की एनर्जी, चैलेंजिंग एंड कार्मिक लग, बिल्कुल सही बात है। जितना आपने खुद को जज किया ना इस पर्सन के लिए, ठीक है, उतना तो इन्होंने खुद को भी जज नहीं किया होगा। ठीक है, बस आप अपनी कमियाँ निकालने में लगे हुए हो। एक्चुअल में तो यहाँ पे ये हो रहा है कि यू डिज़र्व लव। ठीक है, आपकी सिचुएशन देख के मुझे समझ आ रहा है, यू आर क्रेविंग लव। आपको चाहिए कि ये पर्सन आपके पास आए, आपको चाहिए कि ये आपको एक क्लोजर दें, आपको चाहिए कि ये अपना प्यार रेसिप्रोकेट करे। पर ऐसा कुछ भी होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप ऐसा अपने आप को खुद को ब्लेम कर रहे हो इस समय। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स अभी क्या है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, दो कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, ये जो आपकी बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर की वजह से ऐसा हुआ है, आपके पर्सन को ये लगता है कि आप अपना ध्यान खुद रख सकते हो। आपके पर्सन को ये लगता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बोलोगे तो थोड़ा बहुत प्यार वो आपको दे सकते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली दिस पर्सन इज थिंकिंग राइट नाउ कि अभी ना अगर ये आपके पास आते हैं तो ये जो प्यार है, जो स्टेबिलिटी है ना, वो सक्सेस आपने कभी देखी है ना, आप उस सक्सेस को अभी झेल पाओगे। पता नहीं क्यों ये बार बार इस पर्सन के मन में आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अभी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हम्बल हो गई है, तो इस समय ये पर्सन थोड़ा शॉक में मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये किसी से बात भी कर ले या फिर थोड़ी बहुत अटेंशन या टाइम भी दे दे, तो इनको ऐसा लगता है कि ये ना हर चीज़ जताते बहुत हैं। मुझे इस एनर्जी से मैं पिक कर पा रही हूँ, वो हर चीज़ बहुत ज़्यादा जताते। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा किसी पे एहसान कर दिया है, इनको ऐसा लगता है कि किसी का बहुत ज़्यादा इन्होंने कल्याण कर दिया या फिर किसी का बहुत ज़्यादा इन्होंने अच्छा कर दिया, तो इनको ना इस बात पर बहुत ज़्यादा गर्व होने लगता है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक। लेकिन इनका बैलेंस आ रहा है, जस्टिस इज़ कमिंग टू यू। जितना कम ये आपको अटेंशन दे रहे हैं ना, क्योंकि ऐसा लग रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से कि आप इस समय बहुत ज़्यादा काम डाउन हो,
जितना ज़्यादा ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है ना, उतना ज़्यादा आप काम हो। आप फाइट नहीं कर रहे इनके सामने, गिड़गिड़ा नहीं रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे हो, आपने अपना कैरेक्टर, अपना काम मेंटेन किया हुआ। इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद आपको ऐसा लगता है ना कि आपके साथ जस्टिस हुआ है और जस्टिस होगा ज़रूर। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा डेस्टिनी में और इस बात में बिलीव करते हो कि जो होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है, दैट्स वाई यू आर काम। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देख लो, गार्डियन एंजल्स आपके पास बैठे हुए हैं, ठीक है। देर इज़ समथिंग इन द एयर जो इस पर्सन और आपको दोबारा मिलाने वाला है, बिकॉज ऐसा लगता है ना आप जितना इनको प्यार दे चुके हो ना उतना इनको बराबर करना ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि बिना प्यार दिए ये आपके रास्ते से निकल जाएंगे, नहीं। आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन देख के ना ये पर्सन हैरान है कि कैसे आपने इनसे बदला लेने की क्यों नहीं कोशिश की, जबकि आप देखा जाए तो उनसे ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहे हो। ये पर्सन कहीं ना इस समय भी, जैसे मैंने कहा, इन्होंने अपने तक आने के सारे रास्ते इसलिए भी बंद कर दिए हैं क्योंकि ये ना आप में और इनमें कंपैरिजन बहुत कर रहे हैं कि सेपरेशन के बाद भी कौन ऐसा है जो ज़्यादा आगे है, ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो दिस टाइम दिस लव इज़ नॉट एंडिंग राइट नाउ, दिस कनेक्शन विल बी जज्ड एंड डिसाइडेड। बहुत जल्दी आप देखना एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से फैसला होगा, जो किया है वो चुकाना ज़रूर पड़ेगा। आज के दिन के लिए मैं आपको गाइडेंस ये देना चाहूँगी, जो भी आपको कोई इग्नोर कर रहा है या आपको ऐसा लगा है कि आपने बहुत अटेंशन दी है तो भी आपको कोई नुकसान करने में लगा हुआ है, तो मैं ये बोलूँगी उसको इम्प्रेस करने की कोशिश ना करो, बिकॉज नॉट एवरी वन कैन हैंडल स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। आपका जो ये स्ट्रेंथ है ना, आपकी जो कामनेस है और आप अपना काम करते हो और चुपचाप अपने काम में लगे रहते हो, किसी को कुछ नहीं बोलते, इवन आप गलत भी देखो आपका कुछ बिगड़ने नहीं वाला है। मैं बताती हूँ, अगर आप किसी से कुछ भी ना बोलो ना, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ना चाहता, ना ही बिगाड़ सकता है, बिकॉज़ यू आर वॉकिंग ऑन योर ओन पाथ। एटलीस्ट आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहे हो, तो डिवाइन भी आपको प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। एंड यू आर नॉट इवन, ऐसा नहीं है कि आप कमज़ोर हो, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये क्वीन इज सिटिंग ऑन हर थ्रोन। आप अपनी लाइफ का खुद चार्ज लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। देखो सूरजमुखी है इसके हाथ में, मतलब आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आज से 3-4 साल पहले की एनर्जी अगर मैं देखूं तो ऐसा लग रहा है आप तो ये बात कभी कबूल भी ना करते कि इस पर्सन की गलती, आप इनके प्यार में इतने ज़्यादा अंधे थे। अब वो पट्टी उतर गई है, वो आपकी स्ट्रेंथ बन गई है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? आप कभी ना मानते, लेकिन अब आपकी आँख खुल गई है, आप अपने लाइफ का खुद चार्ज ले लिया है, आपको पता चल रहा है कि आपके साथ क्या हुआ और आपको कहाँ चुप रहने की ज़रूरत है, और ज़रूरत पड़ने पे आप बोल भी सकते हो और सबकी हवाइयाँ उड़ा सकते हो। यहाँ पे लायनेस का 2 साइन है। सो स्ट्रेंथ इज़ बाय योर साइड, डोंट बी वीक। आज के लिए आपके लिए गाइडेंस यही है कि नंबर 6 पे ध्यान दीजिएगा, अगले 6 घंटे, 6 तारीख अगली, ठीक है, 6 दिन, दिस इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू। थैंक यू सो मच। रीड द कॉमेंट सेक्शन, पिन कॉमेंट में आपको आंसर मिल जाएगा। एक फ्री रीडिंग का लिंक है, आपसे रिलेटेड है, देख के ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।